guys, welcome back to my YouTube channel. How are you all? I'm fine. I hope you all are also fine, healthy, wealthy and wise. तो आज हम जो जन्नत के पत्ते का जो सीन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है कि हया के सामने जो इरम मैडम है उनके बॉयफ्रेंड का बोल खुल जाता है और वो किस तरह खुलता है आप सबको पता है, लेकिन हम एक बार फिर उस सीन से गो थ्रू होंगे और मतलब उसका लुत्फानंदोज उससे होंगे सीन से. और मतलब इस सीन का मकसद जो इससे हम मकसद क्या लेते हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट राइट इनटू इट. कट टू 28 जनवरी की जो शाम है उसको उस जो हया है उसने एयरलाइंस का जो टिकट की प्रिंट है उसने वो प्रिंट आउट करवाना है और जिसकी वजह से वो 5 फरवरी को उसने इस्तंबुल की फ़्लाइट के लिए निकलना है. तो वो अपने कमरे में बैठी है लैपटॉप पे लेकिन उसका नेट नहीं चल रहा है. तो कट टू द सीन वो इरम के घर गई है ताइफ खान के पास कि इरम से वो ईवो ले ले और जो इंटरनेट डिवाइस ले ले और फिर उसको चला के ऑब्वियसली शी नीड्स टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ द टिकट. तो उसके लिए वो ताइफ खान के घर जाती है जबकि इरम जो है वो शॉवर में है. तो ताइफ खान लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं, नया को सलाम करके वो इरम के कमरे में चली गई हैं. इरम कमरे में नहीं थी, बाथरूम का दरवाज़ा बंद था और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी. इरम का सेलफोन उसके हाथ में ही तकिए पर उसके साथ ही तकिए में रखा था. उसने गर्दन झुकाकर देखा, सेलफोन की रोशन स्क्रीन पर एक नया पैगाम जगमगा रहा था, साथ ही भेजने वाले का नाम लिखा आ रहा था, हया सुलेमान. क्या किसी ने इरम को इस नंबर से पैगाम भेजा था या इरम ने किसी का नंबर उसके नाम के साथ महफूज कर रखा था? हया ने मुख्तात निगाहों से बाथरूम के दरवाजे को देखा और फ़ोन पर एक दो बटन दबाए पैगाम लम्हे भर में खुल गया. मैं कॉल करूँ, सुबह से बात नहीं हुई, अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, ये दिल इतना मजबूत नहीं है जान, रिप्लाई. मतलब इरम का भी एक शोना मोना जो है वो भी एग्जिस्ट करता है दुनिया में यार. ये इरम जितनी घुंडी है ना इतनी सीधी नज़र आती है उतनी है नहीं. देर इज़ मोर टू हर पर्सनैलिटी दैन मीट्स द आई. ये तो पहले से ही पता था ऑब्वियसली, जिसने भी नॉवल पहली बार पढ़ा होगा उसको भी मेरा ख्याल है पता होगा. अगर नहीं पता तो यहाँ से इरम की जी विलेन आर्क शुरू होता है. उसने जल्दी से पैगाम मिटाया, सेलफोन वापस तकिए पर उल्टा करके रख दिया. एक लम्हे में उसे सब कुछ समझ आ गया था. इरम ताया फुरकान की स्कार्फ वाली सर ढकने वाली बेटी एक अदद बॉयफ्रेंड की मालिक थी, वाओ, जिसे लोगों से छुपाने के लिए उसने हया सुलेमान का नाम दे रखा था. तभी वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, हया को याद आया. और ये वो रिश्ते की बात हो रही है जो लड़का उनके शीला की जवानी का जो डांस वीडियो देखकर उसको इरम को रिजेक्ट करके गया था. वो मजीद बैठे बिना वहाँ से निकल आई. ईवो उसने ताया फुरकान से मांग लिया मगर जाते जाते एक तंजो इस्तेज़ाह से भरी मुस्कुराहट के साथ उनको ज़रूर देखा था. काश वो इरम के हिजाब का पोल्स खोल सकती तो ताया अब्बा की शक्ल देखने वाली होती. हिजाब ओढ़ना या नकाब करना किरदार की पुख्तगी की अलामत नहीं होती, उसने बेख्तियार सोचा. सिबांजी यूनिवर्सिटी से उसे एक हॉस्टल के मुतालिक तरजीहात जानने के लिए एक सवालनामा भेजा गया था. क्या आप अपनी हम वतन एक्सचेंज स्टूडेंट्स के साथ कमरा शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल भी नहीं, उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप की कुंजियों पर हरकत कर रही थीं. क्या आप स्मोकिंग करती हैं? बिल्कुल करती हूँ. ड्रिंक करती हैं? वो भी करती हूँ. आप किस किस्म की तबीयत की मालिक हैं? सख्त, झगड़ालू और खूनखार. वो मुस्कुराहट दबाए जवाब लिख रही थी. जब सफ़ा ख़त्म हुआ तो उसने नेक्स्ट को दबाया. सोच रही थी कि अगले सफ़े के जवाब पूर्ण करके उस फॉर्म को मनसूख कर देगी. उस फॉर्म को जमा कराने का उसका कदम कोई इरादा नहीं था. मतलब हया इज़ ऑल ऑफ अस कि मतलब जब कोई आपको फॉर्म मिले आपने उसके ऊपर सबसे जो मतलब हया को जो है ना वो तो गैंगस्टर कॉम्प्लेक्स तो है कि उसने गैंगस्टर बनने की तो उसको शो करना ही है. और मेरी बहन हया जो है वो इतनी कि मतलब हैं कि बस मौका मिले इनको. मतलब हया को जो गैंगस्टर कॉम्प्लेक्स है ना और उसको मतलब हर चीज़ से पंगा लेने का और हर चीज़ का मतलब विदाउट एनी रिपरकशंस कुछ उसका इरादा था करने का, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो तो फिल हो गया है. फॉर्म फिल करने का शुक्रिया, हम आपका डॉर्म अलॉट करते वक्त आपकी दी गई तरजीहात का ख्याल रखेंगे. लानत हो तुम सब पर. वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा. फॉर्म सुबांगी यूनिवर्सिटी को जा चुका था और उसका पहला ही तासर कितना बुरा पड़ा था वो जानती थी. 5 से 7-8 साल पहले जब मैंने ये सीन पहली दफ़ा पढ़ा था तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, यू नो. आपको पहले से जब आप शुरू में इरम का पढ़ते हैं सारा सीन और किस तरह वो खुद दर्सी का शिकार है, आपको ये तो लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर. मे बी शी हैज़ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मे बी शी इज़ इनसिक्योर अबाउट हर सेल्फ, अबाउट हर हिजाब एंड अबाउट हर फादर बीइंग स्ट्रिक्ट एंड कंजर्वेटिव. ये तो आपको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हर एंड शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ लाइक, बट यू डिडंट नो दैट शी इज़ वेरी अपॉर्चुनिस्ट एंड वेरी यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि वो मतलब इतनी बिगड़ी हुई है कि उनका एक अदर बॉयफ्रेंड भी है जिसके बारे में हया कहती है कि इरम हिजाब वाली जो मैडम है उनका एक बॉयफ्रेंड की मालिक है और जिसका नाम उन्होंने हया सुलेमान के नाम से सेव कर रखा है. तो
इसका की टेक अवे आई थिंक सो मेरे मुताबिक ये होगा कि कभी भी हमें किसी के भी पेरेंट्स से उसके अंदर क्या चल रहा है उसका जजमेंट पास नहीं करना चाहिए है। लाइक जितना हम लाइक प्रैक्टिकली मैंने हमेशा ये देखा है कि जो भी जितने भी हिजाब वाली लड़कियां हैं और लाइक वेरी मच रिस्पेक्ट टू देम, दे आर लाइक रियल प्रिंसेसेस एंड क्वींस। लेकिन मैंने जितना भी देखा है, नो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बट स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके मुताबिक बता रही हूँ कि आपको अगर आपने कभी देखा हो कि आपने वैलेंटाइंस डे पर भी या कुछ इस तरह के ही दिनों में या कभी भी आप अगर आउटसाइड किसी को भी अगर आपको लगे कि आप डेट पे आप किसी कपल को देख रहे हो जिसमें से जो लड़की है वो किसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लग रही है या कोई कॉलेज स्कूल की स्टूडेंट लग रही है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उन्होंने जो है वो हिजाब किया होता है या अबाया तक पहना होता है। और अब तो मतलब कोविड के बाद से तो अक्सर ये जो मास्क का कल्चर आ गया है, एक कस्टम बन गया था मास्क का, तो मास्क ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ प्राइवेसी। तो मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखा है कि जो मास्क पहनकर या हिजाब करके तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, उनका मकसद पर्दा होता है, आइडेंटिटी को छुपाना, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी, दिस इज़ नॉट माई प्लेस टू कमेंट। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि अक्सर तो मैं नहीं कहूँगी कि लेकिन काफ़ी हद तक मैंने ये देखा है कि जो लड़कियाँ इनअप्रोप्रिएटली अगर किसी लड़के के साथ होती हैं तो उन्होंने उनमें से कई ने हिजाब किया होता है और कई ने तो बुरका भी पहना होता है। देर इज़ लाइक टू वेज अबाउट इट दैट आई थिंक सो। एक तो ये कि हमें किसी के कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर, यू डोंट नो वट्स इन साइड इट। तो ये कि आप जज करना छोड़ दें कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेक आपको नज़र आता है तो वो ज़रूरी नहीं वैसा हो, और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बद नज़र आता है या कि आई मीन यानी कि वो हिजाब नहीं करता या हर वक्त नेल पॉलिश लगाई होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक हया का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, हया जो है वो नेल पेंट भी करती हैं, वो हिजाब भी नहीं करती हैं, स्लीवलेस भी पहनती हैं और वो गाड़ी कार भी ड्राइव करती हैं, जो कि बुरी बात नहीं है बट इन कंजर्वेटिव माइंड सेट इट इज़ बैड, यू नो इट्स रियली बैड कि लड़की खुद बाइक चलाए या गाड़ी चलाए, खुद ड्राइव करे राइड करे, ये बुरा समझा जाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि बुक के कवर से आप बुक को जज नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है, आई डू थिंक सो वी पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल हु लुक पायस टू एक्ट राइशियस, यू नो व्हाट आई मीन। इसका ये मतलब है कि हमें हम अगर हम देख रहे हैं कोई हिजाब करती है लड़की या कोई मस्जिद वाली टोपी नमाज वाली टोपी पहनते हैं अंकल हमारे इर्द गिर्द, तो हम उनके बारे में बहुत हाईली सोचना शुरू कर देते हैं कि लाइक दे आर आउट ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, दे आर नॉट ह्यूमन एनी मोर, दे आर लाइक एंजल्स एंड दे कैन कमिट नो रॉन्ग, दे कैन कमिट नो सिन, दे कैन कमिट नो क्राइम। तो ये बात है कि हम उनको बहुत हाई पेडेस्टल पे बिठा देते हैं कि हमें लगता है कि दे कैन डू नो रॉन्ग, वो कोई गुनाह नहीं कर सकते। अब अगर वो इतना दीन को पढ़ रहे हैं, वो दीन के करीब हैं, अल्लाह ताला के करीब हैं, तो अब उनको कोई हक नहीं गुनाह करने का। और अगर उस पेडेस्टल पे वो पूरे नहीं उतरते उस मयार पर, तो हम उनको मयार से ही गिरा देते हैं बिल्कुल ही कि इसने तो ये काम किया, ये कैसा हिजाब है इसका, ये कैसा नकाब है इसका। और मतलब अगर किसी मर्द ने ऐसा किया तो ये तो बहुत नमाजी इबादतें करता है, मस्जिद में बैठा रहता है, तो इसने ऐसा किया तो क्यों किया, और मतलब उसको जज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने जजमेंट्स पास करते हैं कि ही कुड डू नो रॉन्ग नाउ और शी कुड डू नो रॉन्ग। और अगर ऐसा होता है कि उनकी कोई कमी या कोई कहते हैं ना गलती खता उनके सामने आ जाती है हमारे, तो हम उसको बहुत उछालते हैं, जो कि ख्याल नहीं उछला है, लेकिन मतलब उसने ये परसीव तो कर लिया ना इरम के बारे में कि इरम कैन डू नो रॉन्ग, और तैयब फुरकान जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपनी बेटियों के बारे में, जो कि हैं और दूसरों की बेटियों की बातें करते हैं तैयब फुरकान और सहमत आई। तो हया इज़ नॉट टोटली रॉन्ग दो, आई एम नॉट सेइंग हया इज़ रॉन्ग टू मेक अ सर्टन परसीवमेंट, और परसीवमेंट क्या होता है भाई, टू मेक अ सर्टन परस्पेक्टिव अबाउट इरम इन हर माइंड कि इरम तो एक बॉयफ्रेंड की मालिक है ये वो, ऑब्वियसली शी इज़ राइट इन हर माइंड, बट जनरली मैं बात कर रही हूँ कि जनरली हम ऐसे लोगों को बिल्कुल आउटकास्ट कर देते हैं कि जिनकी अपीयरेंस बहुत पर्दादार होती है या बहुत इस्लामिक होती है, लेकिन अगर वो कोई गलती करते हैं तो फिर हम उनको बिल्कुल ही आउटकास्ट कर देते हैं कि तुम्हें तो भाई कोई हक नहीं है बोलने का, तुम क्या दीन को सिखाओगे, तुमसे क्या कौन सीखे दीन, तुम तो खुद ऐसे हो। तो आई गेस गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलतियों को पहले माने, क्योंकि अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप उसको बेटर कैसे करेंगे, जो चीज़ आप प्रॉब्लम को रियलाइज़ ही नहीं करेंगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले आप अपनी प्रॉब्लम को देखें, अपने कोई गलती हुई है आपसे आप उसको रियलाइज़ करें, फिर उसको आप उसके ऊपर डटे नहीं, उसकी तौबा करें, और अगर किसी के साथ आपने ज्यादती की तो आप उससे ज्यादती की माफ़ी मांगें, और फिर आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। एंड आई थिंक दैट्स इट, रेंट काफ़ी लंबा हो गया है, सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन, आपको इस रेंट के बारे में क्या ख्याल है, आपको इस सीन आपको ये सीन कैसा लगा, आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इरम का ये छोना मोना या नहीं कर रहे थे, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई विल मीट यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।